पैरालाइसिस, लकवा, अर्थराइटिस, गठिया और साटिका, स्लीप डिस्क। अगर आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं और आप सिर्फ दवा खा रहे हैं दर्द कम करने के लिए और बीमारी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आप बढ़ा रहे हैं। इन बीमारियों की दवाइयाँ हो सके तो आपके रसोई घर में हो सके तो आंगन में कोई ऐसा पौधा हो जिसमें इसकी दवाइयाँ हो सके तो आपको कोई व्यायाम हो जिससे करने से इस बीमारी से मुक्त हो सके। चरक संहिता और बहुत सारे आयुर्वेद दवाइयों में ऐसे नुस्खे और दवाइयाँ हैं जो घरेलू हैं और आप इनसे करके आसानी से अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन ताकतवर दवाइयों और नुस्खे के बारे में। लकवा, साटिका, गाठिया जैसे स्लीप डिस्क जैसे रोग अगर किसी घर में घुस जाए ना, तो उस घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है। और आजकल के इलाज में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता है। और कहीं ना कहीं मानसिक और फाइनेंशियल स्थिति में आप बहुत टूट जाते हो, तो इलाज से बहुत दूर हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अपना देश में जहां पर सुश्रुत संहिता जैसा किताब जिन्होंने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सा महर्षि सुश्रुत ने इसे लिखा है, जिसमें ये तीन मूलभूत ग्रंथों में से एक है। इस संपूर्ण ग्रंथ में 184 अध्याय हैं और जिसमें 1120 रोगों के बारे में बताया गया है और 700 औषधियां हैं। और तो और ये इसमें 74 प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये इतना सस्ता और आसान और हमारे देश का इतना बड़ा खनिज संपदा है ना कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारे महर्षि लोग चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें इतना अच्छा व्याख्या किया गया है बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में। पुरानी पद्धति से इलाज आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा मिट्टी से इलाज होता है। मिट्टी आप पैर में लगाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे इलाज की प्रक्रिया है दोस्तों। आज ऐसी प्रक्रिया खो रही है अपने देश में, तो किसी ना किसी ने भारत में उसे संयोग के रखा है, उसके बारे में कोई अध्ययन करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आज मैं बात करूँगा ऐसे इंसान की जो एकदम मध्यम वर्ग का था और जिनकी माँ स्लीप डिस्क से बहुत बीमार थी। इलाज का अभाव और पैसे की कमी को देखते हुए जिस बच्चे ने 15 साल से ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना चालू कर दिया, अपनी माँ का इलाज करता रहा और आखिर में अपनी माँ को ठीक कर दिया। माँ तो ठीक हो गई और लेकिन इस इलाज को हर लोग में उन्होंने बांटने लगे ताकि हर इंसान ठीक हो सके। आज जहाँ बड़े बड़े अस्पताल भी इन्हें लोटा बाबा के नाम से जानते हैं और जहाँ पर बड़े 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 डॉक्टर भी असक्षम है इलाज में, वहाँ इन लोटे से इलाज करते हैं। और ये अपने लोकल एरिया में लोटा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा की। एक ज्ञान हासिल करके बाबा जी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज उन्होंने 1600 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा है जिनमें गठिया, साटिका, पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा रोगी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके जो रिकवरी के परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ये रिकवरी में आते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मतलब अब ठीक होने का मतलब समझ लीजिए, जो पेशेंट आते हैं ना वो आधे घंटे एक घंटे के इलाज के बाद अपना बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पेशेंट 2-3 बार आता है तो चौथी बार तो वो अपने आप चला आता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो पूरा देखना आपको समझ आएगा। वो पेशेंट जब किसी के कंधे पर लद के आता है लेकिन फिर 2-3 बार आने के बाद खुद चला आता है बाबा जी के पास, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो बहुत दूर दूर के पेशेंट हैं वो बाबा जी से हमेशा कहते हैं कि बाबा जी कुछ ऐसा बताइए कि हमें कुछ इलाज के साथ, आपके इलाज के साथ कुछ आराम मिल सके। तो बाबा जी ने एक 52 जड़ी बूटियों का जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता द्वारा व्यापक है जिसको बनाया गया है, वो तेल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में,
बाबा जी देते हैं। ये मामूली तेल है, सरसों का तेल ही समझिए इसको, लेकिन इससे बहुत से रोगी, बहुत से पेशेंट स्लिपटिस, गाठिया और पैरालिसिस के पेशेंट को, जो दूर है, जो बहुत दूर है, उनको हम लोगों ने कोरियर किया है और उन्हें बहुत आराम मिला है। उन्होंने सब ने कहा कि हमें बहुत आराम मिलता है। और ये जो आराम है, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख, बाबा जी बोलते हैं यही है हमारे लिए। तो हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आपको अब और भी ज़्यादा, मतलब अब हम लोग आपको, मतलब आपको इतना अच्छा बताने वाले हैं कि आप घर पर रह के व्यायाम करके, या ये तेल भी मंगवा कर आप अपने शरीर पर लेपन करके, आप बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। ये चमत्कारी तेल दोस्तों, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी आप मंगवा कर एक बार अपने शरीर पर लगा कर, कम से कम आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, इसका रिजल्ट 70-90% पॉजिटिव है, बहुत जल्दी असर करता है, बहुत आराम देने वाला तेल है दोस्तों।